नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सदर कोतवाली क्षेत्र के अलियापुर गांव निवासी रामशंकर के घर चूल्हे पर खाना बन रहा था, तभी खेलने के दौरान बच्चे ने चूल्हे से आग लेकर छप्पर में आग लगा दी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपेटों को उठाता देख गांव में हड़कंप मच गया। आग से रामशंकर के अलावा बबलू, गुड्डू, पप्पू, अमर सिंह का भी फूस बंगला जलकर राख हो गया। गृहस्थी का सामान जलने से बचाने के प्रयास में राम जानकी झुलसकर घायल हो गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से पीड़ित परिवारों का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित रामशंकर ने बताया कि बच्चे ने खेलने के दौरान छप्पर में आग लगा दी, इससे पड़ोस के रहने वाले 5 लोगों के भी फूस बंगला जलकर हुए राख हो गए हैं। कन्नौज से संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। केती जी, आपके घर आग लगी, किस तरह से आग लगी थी और क्या क्या जला है? सर हम बताओ ना, हमारे बहुत गाड़ी देखो नहीं आती, अभी निकलवा के लाते, वे भी जल गई। सिलाई हम रात दिन करते थे, वे भी जल गई। दुकान वाले जितनी गृहस्थी मेरे यहीं पे थी, कहीं ये तो नहीं कहीं धरी हो। लगभग कितना नुकसान का आकलन है? कितना नुकसान? 2000 रुपए रख रहे, अगले आदमी दे बक रहे, तो हमारा आदमी दिल्ली चले गए, बतका दही देने वे धरे थे सर। और बाकी बचा कुछ नहीं घर में? सिर्फ ये लड़का बच्चा निकाल पाए, कुछ नहीं बचा है। किस तरह से आग लगी थी आपने कुछ देख पाया? हम सिलाई कर रहे थे और जो पास में घर है उससे घर में खाना बन रहा था, वो कहीं गई हो या वो लगी उनके हमारे तो उसके घर में आग लगी तो सब चिल्लाने लगे, आग लगे तो हम दौड़ गए तो मर गया। तो अभी तक आला अधिकारी कोई आए हैं यहाँ पर? सर हम कोई आए नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आए अभी तक। आप हमें दिखाए रहे हैं और कोई नहीं दिखा रहा है। कहाँ मामला है? ये अलियापुर है, अलियापुर कन्नौज रोड। क्या नाम है आपका? रविंदर। क्या हुआ आप अभी यहाँ आग लगी है, कैसे पूछना क्या हुआ? पता नहीं इसके बारे में, हम तो काम कर रहे थे एसटीएमसी में, खाना बना के फ्लोवर है वहाँ पे हम काम कर रहे थे, जब हमको पता चला कि आग लग गई घर पे तो हम भागते हुए चले नीचे। तो मतलब कोई जानकारी नहीं मिली कैसे लगी आग? जानकारी नहीं मिली तो अभी तुम तो आग बुझा रहे हैं, अभी हमको कोई जानकारी नहीं मिली इसके। तो लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? लगभग मेरे नुकसान हो गया होगा 7-8 लाख का। मतलब कितने लोग घर में आग लगी है? घर में आग लगी 3 लोगों के। 3 लोगों के ये सूचना नहीं मिल पाई कैसे लगी आग? अभी नहीं। कितना राख, क्या क्या जल के राख हुआ? हमारे कपड़े की दुकान थी वो जल के राख हो गई, बाइक जा राख हो गई, सिलाई की मशीन थी वो भी राख हो गई, जो कपड़े लोग डालने आते हमारे घर पे उनके भी जल के राख हो गए। सूचना पुलिस को दी आपने? हाँ सूचना हो गई। मौके पुलिस आई? आई है, पानी बुझा रहा है। दमकल विभाग की गाड़ी आई मौके पे? आ गई। ठीक है। जानकी जी, आपका चेहरा जरा है, ये मकान जरे, कैसे आग लगी थी, क्या मामला हुआ? उनके घर पे लगी है, हम लोग को अगर सामने से हम दीख दौर के चले उठाना उठा हर चीज तले उठा ही नहीं पाए, कुछ ही पल 50,000 रुपया ला रहा उठा का लून पर गया लेबर में नून दे बैठा कुछ नहीं बचा। बिटिया कहाँ गए गुंजन? क्या क्या जल गया आप लोगों घर में? जर हम गए हमारे घर में, घर में कुछ नहीं बचा है, कोई चीज नहीं बची है हमारे, देख रहे हो कुछ नहीं बचा है। कितने घर जले यहाँ पर हैं? 4-5 जले हैं। कोई आला अधिकारी अभी तक मौके पर आया है जायजा लेने के लिए? नहीं। आग कैसे बुझी थी ये? आग जल के अपने आप बुझी है, कैसे जली? दमकल विभाग की गाड़ी आई थी मौके पर? अभी नहीं आई, अब बाद में आई है। बाद में आग गाँव वालों ने बुझाई थी? हाँ। कितनी बार फोन किया था आप लोगों ने दमकल विभाग को? फोन ही नहीं गए, हम खुदा धुप्पा में ना चिल्ला तो घूमती आई। आप जली, आपके अलावा किसी और के भी नुकसान हुआ जलने पर? इनका इनका ना सब नुकसान है, मोटर सब जल गया है। कहाँ का मामला है ये? ये अलियापुर का है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।